हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपने MPNHM स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम दिया था, उसका आंसर की आ चुका है। सो दोस्तों, आंसर की आपका जो आया है, उसको डाउनलोड करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है। सो दोस्तों, पहले क्या सैम्स की वेबसाइट पर आपको आंसर की आ जाता था, ठीक है, सैम्स की वेबसाइट पर, लेकिन इस बार सैम्स को बैन कर दिया गया है, जिसके लिए आपको MP ऑनलाइन के जो आई फॉर्म वेबसाइट है, वहां से आपको डाउनलोड करना होगा। सो दोस्तों, इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो दोस्तों, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपडेट की ओर। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा MPOnline.gov.in, ठीक। इस पे पर क्लिक करने के बाद आपको जो आई फॉर्म MPOnline Limited, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, यहाँ से जो अपना NHM में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। सो दोस्तों, नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा समय लग रहा है। सो दोस्तों, हम आई फॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच गए हैं, ठीक है। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपका आ जाएगा नेशनल हेल्थ मिशन NHM, ठीक है। यहाँ से आपका जो रिक्वायरमेंट के बारे में जो NHM करता है, या फिर जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देता है, यहाँ पर आपको पता चल जाता है। तो दोस्तों, आपने पॉइंट नंबर 109 दिया है, एक रिक्वायरमेंट फॉर स्टाफ नर्स 2023, ठीक है, यह रूल बुक नोटिफिकेशन है, और इसके नीचे ही ऑब्जेक्शन कॉलिंग का ऑप्शन का जो आ चुका है। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलेगा अप्लाई, ठीक है। आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पहुँच जाओगे, आपका जो आंसर की यहाँ से आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको अपना साइन इन करना पड़ेगा, ठीक। साइन इन करने के लिए आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यूजर नेम है, जहाँ से आपने साइबर से अपने फॉर्म फिल किया है, वहाँ से आपको एक यूजर नेम दिया गया होगा, साथ ही आपको पासवर्ड भी प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालने और उसके बाद कैप्चा भी आपको फिल करना होगा। यदि आपको यूजर नेम नहीं पता है, पासवर्ड भी नहीं पता है, तो आपको फॉरगेट प्रोफाइल यूजर नेम पे पहले क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं या अपना निकाल सकते हैं पुराना, साथ ही उसके बाद आप फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड भी आपको करना होगा, तो उसके बाद आप पासवर्ड भी नए जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपका यूजर आईडी डालना और पासवर्ड डालना, ठीक। फिर कैप्चा डालना और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते। लॉगिन होने के बाद आपको होम पेज पर जाना है, ठीक है। होम पेज पर जाने के बाद आपको डबल से अप्लाई करना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।